हालांकि 2017 के नतीजे ये बताते हैं कि समाजवादी के गढ़ में बीजेपी अपना झंडा लहराने में कामयाब रही थी। पहले 2017 के मैं आंकड़े दिखा देती हूँ। तीसरे फेज में कुल 59 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। 2017 के चुनाव में इन 59 सीटों में 49 बीजेपी के खाते में गई थी। सिर्फ 8 सीट समाजवादी पार्टी बचा पाई, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 कांग्रेस के खाते में थी। तीसरे दौर वाले इलाके को समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने की जो बड़ी वजह है, माफ कीजिएगा, बीएसपी एक जो गई वो बीएसपी के खाते में गई। समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने की जो बड़ी वजह है वो ये कि इसी इलाके में मुलायम सिंह परिवार की कर्मभूमि आती है, और दूसरा ये कि इन इलाकों में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बड़ा मजबूत है। जो उनका वोट बैंक है यादव समाज, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर है। पिछले दो चरणों में अगर जाटलैंड का चुनाव था तो तीसरा चरण जो है वो यादव लैंड की लड़ाई है। थर्ड फेज में कुल 16 जिलों में 59 सीटों पर जो मतदान होगा उसमें 16 जिलों में 9 जिले यादव बहुल्य माने जाते हैं। यादव बहुल्य 9 जिलों में 30 सीटें ऐसी है जहां यादव वोट जो है वो निर्णायक माना जाता है। लेकिन 2017 के नतीजों के मुताबिक यादव बहुल्य 30 सीटों में 24 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही, जबकि समाजवादी पार्टी को इन 30 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें मिल पाई थी। 2017 के नतीजे ये भी बता रहे हैं कि यादव लैंड में भी अखिलेश के लिए चुनौतियां कम नहीं है। इसीलिए अखिलेश अपना हर दाव चल रहे हैं और फ्री के पिटारे की नुमाइश में भी वो पीछे नहीं है। अब जरा पंजाब का रुख कर लेते हैं। यहाँ आने वाले रविवार यानी 20 फरवरी को वोट पड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सूबे की सियासी फिजा बहुत गर्म हो गई है। मुकाबले में बहुत सारे दल हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अकाली के अलावा बीजेपी भी है, लेकिन मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इस वक्त बताया जा रहा है, और इसीलिए दोनों एक दूसरे पर खूब हमलावर है। लेकिन बीजेपी भी दो दो हाथ कर रही है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद पहली बार आज मोदी पंजाब के दौरे पर थे। ठीक 40 दिन पहले पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़क मार्ग से जाना था। तब किसान आंदोलन के समर्थकों ने उनका रास्ता रोक दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी देर तक सड़क पर खड़ा रहना पड़ा। उन तस्वीरों को देखने के बाद सुरक्षा में चूक की खूब बातें हुई। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पंजाब का पहला दौरा था। जालंधर में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर पंजाब की सरकार पर एक और आरोप लगाया और कहा कि वो त्रिपुर मालिनी देवी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन पंजाब सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। आज मेरी इच्छा थी इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने हुई सुरक्षा चूक का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ये संदेश देने की जरूर कोशिश की कि पंजाब सरकार अभी भी सुरक्षा नहीं दे रही है। जालंधर में मोदी के मंच पर नई पार्टी बनाने वाले कैप्टन भी थे, जो अपनी सरकार बनने का पूरा दावा करते नजर आए। सारा पंजाब तो नाल तुरिया हुआ है साडे, सो शक क्यों किसी दे होना चाहिए। पंजाब दे विच गवर्नमेंट चेंज होएगी, साडी गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए दी गवर्नमेंट बनेगी। उधर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पर एक नस्ल भेदी टिप्पणी कर दी। इसके बाद पंजाब की सियासत और ज्यादा गर्मा गई। चन्नी ने केजरीवाल और उनकी टीम को भैया बोल दिया। पंजाब में यूपी बिहार के लोगों को भैया कहते हैं। इत्थे बैठे सी के ईडी आलिया ने कहता के जी चन्नी बीच इन्वॉल्व है। यार मैं पंजाबियों ने बेनती करना चाहता, क्यों भैये आके सानू यार खराब करी जांदे हो रे? ये कोई तरीका हर रोज मेरे खिलाफ झूठ बोल देने का? ये कोई तरीका यार हर गल दे विच झूठ खराब बोलना? नास मारता साडा रोज, मैं जवाब केड़ी गल दा दिंदा अपना? रोज मैनू कोई ना कोई एलिगेशन लगा दिंदे आ। चन्नी के इस बयान ने अरविंद केजरीवाल को हमले का एक और मौका दे दिया। चुनावी सीजन में ऐसे बयान संजीवनी भी माने जाते हैं और अरविंद केजरीवाल की सिंपैथी लेने की पूरी कोशिश भी है।
चन्नी साहब तो देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, वो सुबह से शाम तक वो केवल मेरे को ही गालियां देते हैं। आजकल वो रात को सो भी नहीं पा रहे, वो रात को सोते हैं आंख बंद करते हैं, जैसी आंख बंद करते हैं उनके सपने में मैं भूत की तरह आता हूं, और फिर वो एकदम से अचानक डर के उठ जाते हैं। जितने पंजाब को लूटने वाले आगू हैं जो आज तक लूट रहे थे, उनके सारों के सपने में आने लगा हूं आजकल मैं। गालियां देते हैं, वो बखलाए हुए हैं। जब आदमी बुखलाता है तो पर्सनल हो जाता है, वो बुखलाए हुए हैं, पंजाब की कोई बात नहीं करते। ABP News आपको रखे आगे।